मुमरा स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर बन रहा है मुमरा का पहला टाउनशिप प्रोजेक्ट डीजेड सिटी, जो कि नए एमएमवेली रोड का पहला प्रोजेक्ट है, जहां आपको मिलेगी कंप्लीट कनेक्टिविटी। क्वालिटी और टाइम दोनों को ध्यान में रख डीजेड सिटी का काम फुल स्विंग में चालू है। अब तक ग्राउंड प्लस 2 शॉप्स रेडी होने पर है। स्कूल्स, मार्केट, स्टेडियम और हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज डीजेड सिटी के करीब अवेलेबल है। डीजेड सिटी ऑफर करता है फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स, ताकि आप अपने सपनों का घर आसानी से ले सके। डीजेड सिटी के बारे में जानने के लिए उनकी सेल ऑफिस विजिट करें या दिए गए नंबरों पर कॉन्टेक्ट करें। सोसाइटी के वर्तमान पदाधिकारी पर पूर्व पदाधिकारी ने बेटों समेत किया जानलेवा हमला, थाने के धर्मवीर नगर की वारदात। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। ठाणे के धर्मवीर नगर के प्रताप सोसाइटी से बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अक्सर सोसाइटियों में कमेटी बनाना, चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, इन सब पदों की नियुक्ति और मेंटेनेंस और अन्य बिल्डिंग इमारत के कामों के पैसों का घपला, ये आम बात हो गई है। इसी मुद्दे को लेकर के धर्मवीर नगर की प्रताप सोसाइटी में विवाद हुआ। वर्तमान पदाधिकारी है वेंकटराव रेड्डी, 11 लोगों की कमेटी में वो एक पदाधिकारी है, सदस्य है। वहीं पूर्व पदाधिकारी है सैट्रिक आईजेक और उनके बेटे, अब इस वारदात में जो वेंकटराव रेड्डी पर जानलेवा हमले की हुई है उसमें आरोपी बने हैं। हिसाब किताब का ही यहां विवाद है और जानलेवा हमला वेंकटराव रेड्डी पर किया गया है। इस वारदात को लेकर वेंकटराव रेड्डी और उनकी पत्नी ने मीडिया से बातचीत कर जानकारी दी है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू की है। मैं सवेरे 15 नंबर बिल्डिंग में रहता हूँ, 15 नंबर प्रताप सोसाइटी बिल्डिंग में रहता हूँ। सवेरे मैं काम पे निकला एक्टिवा गाड़ी लेके, और मेरा नाके पे 2 लोग था, एक सैट्रिक का छोटा लड़का और एक कोई तो उसका दोस्त थे, और ये सैट्रिक और सैट्रिक का बड़ा लड़का, इन लोग सब 2-3 दिन से मेरा घर के इधर ही घूम रहा था। यानी कि मेरा घर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ही है, घर के अंदर दुकान है, और मैं सवेरे काम पे जाता हूँ गाड़ी धोने के लिए, मेरा वो भी लाइन है। तो 2-3 दिन से घूम रहा था। बिल्डिंग में क्या है, 11 साल से ये चेयरमैन है सैट्रिक हाईजैक करके, तो 11 साल से चेयरमैन अकेले ही है, चेयरमैन खजेंदर सब कुछ है। तो उसको सब लोग नया कमेटी बना के उसको निकाल दिया, तो उसके हिसाब नहीं दिया 11 साल का, सब पैसा खा लिया। तो हम लोग नया कमेटी अभी 6-7 महीने से चला रहा है, तो उनको पैसा खाने का नहीं मिल रहा करके ये सब, यानी कि पहले भी एक बार MSEB का ऑफिस में बिल भरने गया तो मेरे को मारने के लिए आया बड़ा लड़का और सैट्रिक, तभी पुलिस कंप्लेंट किया। पुलिस ने बोला ठीक है जान दो, अभी पहले टाइम है, आप लोग म्यूचुअल कर दो करके लेटर लिख के ले लिया। हाँ, और मेरे घर पे भी गाली वीली देने के लिए आया था, मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहता हूँ। तो कल सवेरे काम पे जाने के लिए स्कूटी पे निकला, तो रास्ते पे जो बम्पर आता है तो स्लो करना पड़ता ना गाड़ी, स्लो किया तो तभी तुरंत आ गया एक लड़का, मेरे को धक्का मार दिया, नीचे गिर गया। तो उसको सैट्रिक का छोटा लड़का आया तलवार लेके, मार्टिन हाईजैक, वो तलवार से मारने लगा। तो मैं रोका विका उसको, धक्का मारा, तो मेरे को पैसा दो क्या है वो दो, ऐसा करके बोल रहा है और मार रहा भी। तो मैं उसको धक्का विक्का दे के उससे मुकाबला करते करते मैं रात को 4 बजे का टाइम नाके से दौड़ते बजते घर पे आया। तो घर पे आया तो फिर मेरे को एक राइट हैंड में उंगली पे कटा है, और राइट हैंड का रिस्ट पे भी कट गया, और लेफ्ट हैंड का भी रिस्ट पे भी कटा और उंगली में भी कटा, जो सर को ऊपर वार कर रहा था तलवार से रोकने के टाइम। सैट्रिक हाईजैक और सैट्रिक हाईजैक का बड़ा लड़का, इन लोग सब यानी कि टारगेट कर रहे हैं सबको। पुलिस लोग ज़्यादा एक्शन नहीं लेता है, इसलिए कि प्रताप सरनाइक का मिसेज और प्रताप सरनाइक और सैट्रिक हाईजैक का कुछ अंदर से साठ गांठ है, उन लोग को पार्टी का करता है काम, तो उसके लिए पुलिस लोग एक्शन नहीं कर रहे।
आम आदमी को बहुत परेशानी कर रहा है। हम लोग सवेरे काम पे जाने के टाइम ऐसा मेरे बीवी लोग को भी गाली, बिल्डिंग में सबको तकलीफ दे रहा है, एक को नहीं है। वो चेयरमैन से हट गया तो कोई ना कोई कालाकांडी करता रहता है, किससे किससे झगड़ा करता है, और पुलिस लोग किसी से किसी को एक्शन नहीं लेते ज़्यादा, और पुलिस लोग उनको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। क्यों कर रहा है? आज मेरा भी ऐसा ऐसा हालत हो गया, पीठ पर भी वार हुआ है, लेकिन शर्ट ताक करके ज़्यादा वार नहीं हुआ, थोड़ा हुआ। कल सुबह मेरा हस्बैंड 4 बजे काम पे जाने के टाइम सेट्रिक आइजेक का छोटा लड़का मार्टिन आइजेक मेरा हस्बैंड को उनके साथ कोई तो दोस्त है तलवार से वार किए थे 4 बजे के टाइम। तभी उधर से वो कैसे तो भाग के आके वो घर पे आए, घर पे आने के बाद हम लोग देखे तो पूरा खून से थे। फिर वो मार्टिन आइजेक का नाम ले रहे थे और उनका बड़ा लड़का भी था वो बोल रहे, और सेट्रिक उन लोग है ना, हम लोग 6 महीने से अर्जी डाल रहे लेकिन हमारा अर्जी कुछ नहीं हो रहा है। अर्जी ऐसे ही मेरा हस्बैंड को कुछ भी डराते थे, धमकाते थे, मतलब उनका जान के ऊपर खतरा भी था, वो बार बार हम लोग को धमकी दे रहे थे। सोसाइटी का मैटर था, 10-11 साल से सेट्रिक आइजेक वो चेयरमैन था, सब एक ही जन खजेंदर और सब चेयरमैन वही था, सब संभालता था। मेंटेनेंस 1500 लेता था और उसका हिसाब नहीं देता था, सबसे पैसा लेने का और किससे 1 लाख लेने का, रूम बेचने का, किससे 2 लाख लेने का, वो सब करता था। जब भी नया कमिटी बना तभी वोटिंग करके लेडीज़, अभी नया कमिटी में रूपा चेयरमैन बनी है, एक लेडीज़, पूरा लेडीज़ का कमिटी है। फिर वो क्या बार बार सबको धमकी दे रहा है कि वो पद से निकल गए। आपके पति ने पैसा किया? नहीं नहीं, मेरा हस्बैंड है ना 11 मेंबर में मेंबर थे, उपाध्यक्ष थे, वो उनके ऊपर हमेशा टारगेट करते थे।